जय हिंद। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ऐसा स्टेप जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होता है, एक ऐसा स्टेप जो कि अगर आप सही ले लेते हो तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और अगर आप गलत ले लेते हो तो आपके सक्सेस के चांसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं। सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हम कौन सा ऑप्शनल लें। देखो, यूपीएससी के एग्जाम के अंदर, सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर, ऑप्शनल ही एक ऐसी चीज है जो कि यूपीएससी ने आपके डिस्पोजल पर छोड़ रखी है। प्रीलिम्स एग्जाम सबको देना है, यूनिफॉर्म एग्जाम है। मेंस एग्जाम में जीएस 1, 2, 3, 4 सबके लिए यूनिफॉर्म है। उसके अलावा जो आपके लैंग्वेज के एग्जाम्स हैं वो सबके लिए ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। उसके बाद इंटरव्यू भी आपके लिए यूनिफॉर्म है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि यूपीएससी ने आपके ऊपर छोड़ रखी है। अगर इस चीज का भी आप एडवांटेज नहीं ले पाए तो आप लेटर ऑन बहुत रिग्रेट फील कर सकते हो। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको ध्यान में रखनी है जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने जा रहे हो, कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको इग्नोर करनी है, और राइट स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारे लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने की, वो सब चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। सो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, अगर आप इनिशियल फेज में हो यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, या फिर आप इन फ्यूचर सोच रहे हो एग्जाम देने के लिए। देखो, जब भी ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात आती है हमारे माइंड में कुछ एक फैक्टर्स आते हैं जो कि हम कंसिडर करते हैं बिफोर मेकिंग अ फाइनल सिलेक्शन। सबसे पहले हमारे दिमाग में आ सकता है कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा होगा, सबसे ज्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट कौन सा सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है सब्जेक्ट, लास्ट टू लास्ट ईयर किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर मैं लूंगा तो शायद यूपीएससी में इंटरव्यू पैनल मेरे सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट को देख के खुश हो जाएगा, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जॉब में मुझे लेटर ऑन हेल्प कर सकता है, जिसका मुझे कोई एडवांटेज मिलेगा, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस सबसे कम है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कवर करने में मेरा मिनिमम एफर्ट लगेगा, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कवर करने में मेरा मिनिमम टाइम लगेगा। ऐसे बहुत से फैक्टर्स आपके माइंड में आ सकते हैं जब भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में सोचते हो। आज के सेशन में हम ये सब फैक्टर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी क्लियर कि आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है अपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है हमारे लिए जिसको देखने के बाद यूपीएससी इंटरव्यू पैनल ये सोचे कि हाँ, इसने ये सही सिलेक्शन किया है और हम इसको कुछ एडवांटेज दे दें। देखो, यूपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में क्लियर कट बोल रखा है कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, इसमें से आप कोई एक चूज कर लो। अगर कोई ऐसा फैक्टर होता तो यूपीएससी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू ही रिस्ट्रिक्ट कर देता, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रीम कि आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में रही है, तो आप ये ऑप्शनल ही ले सकते हो। जबकि यूपीएससी ने आपको खुला छोड़ रखा है कि आप इन ऑप्शनल्स में से कोई भी ऑप्शनल हो। सो दैट मींस ये कोई भी फैक्टर नहीं होने वाला है आपके मार्क्स को डिटरमिन करने के लिए, चाहे मेंस में चाहे इंटरव्यू में। सो इस फैक्टर पे बिल्कुल मत जाना कि ये ऑप्शनल लूंगा, मैं अपनी ग्रेजुएशन से रिलेटेड ऑप्शनल लूंगा तो ही यूपीएससी वाले खुश होंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हो कि इंटरव्यू पैनल में कोई एक मेंबर या एक दो मेंबर ऐसे हो सकते हैं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, उनको लग सकता है कि आप मान लो एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, मान लो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो आपने साइंस ऑप्शनल ले लिया, तो वो खुश हो सकते हैं कि ठीक है आपने साइंस ऑप्शनल लिया, बट वो एक बेसिस नहीं होगा आपके इंटरव्यू के मार्क्स असेस करने के लिए। अब हम आते हैं दूसरे फैक्टर के ऊपर। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर मैं ये ऑप्शनल सब्जेक्ट लूंगा तो शायद जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद मुझे वर्किंग में हेल्प करेगा, मुझे पता होगा कि हाँ, मेरा बैकग्राउंड इस ऑप्शनल का, मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ रखा है, तो मुझे कोई एडवांटेज मिलेगा वर्किंग के अंदर। बिल्कुल बेसलेस बात है। नो डाउट ऑप्शनल जैसे कि लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आपके वर्किंग से लिंक्ड होते हैं, बट अभी आप आज पे फोकस करो। आज आपको सिलेक्शन करवाना है, अभी आप सिलेक्ट नहीं हुए हो। आज आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट एक सही स्ट्रेटेजी से चूज करना है। ये सोच के चूज नहीं करना है कि मैं जब सिलेक्ट हो जाऊंगा तो उसके बाद मुझे कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट हेल्प करेगा। आज जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने में हेल्प करेगा वो चूज करना है आपने, जो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, जिसपे आप अच्छे से ग्रिप कर सकते हो, वो चूज करना है आपने। सो ये फैक्टर बेसलेस फैक्टर है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ लेके बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चला लूंगा, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल चीज में बहुत फर्क होता है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठ के अच्छे से एफिशिएंटली काम करने के लिए कॉमन सेंस और लॉजिकल माइंड चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको लॉ बैकग्राउंड या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड चाहिए या कोई और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बैकग्राउंड चाहिए।
सो इस तरह की चीजों पे बिल्कुल मत जाओ। सो इस तरह का फैक्टर भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन से पहले कंसिडर नहीं करना है। अब हम आते हैं इस तरह के फैक्टर्स पे, लाइक मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट कौन सा है, मोस्ट स्कोरिंग कौन सा है, मिनिमम सिलेबस किस में है, मिनिमम टाइम किस में लगेगा। देखो, जब आप मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट की बात करते हो, इसका मतलब आप भेड़ चाल कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि भीड़ कहां पे है, मैं वहां चला जाऊं, जहां पे ज्यादा भीड़ है शायद वहां कुछ स्पेशल है, मैं भी इस भीड़ का पार्ट बन जाऊं, विदाउट असेसिंग कि इस भीड़ में से सक्सेस रेशो कितना रहता है, कितने इसमें सीरियस कैंडिडेट है। आप ये नहीं सोचते हो जितनी बड़ी भीड़ उतने ज्यादा सीरियस कैंडिडेट, और हो सकता है उतने ज्यादा नॉन सीरियस कैंडिडेट। तो आप भीड़ को देख के अगर किसी ग्रुप का पार्ट बनने जा रहे हो तो डैट मीन्स आप अपना ब्रेन यूज नहीं कर रहे हो, अपना लॉजिकल माइंड यूज नहीं कर रहे हो, जस्ट लकीर के फकीर बन रहे हो। बहुत गलत स्ट्रेटेजी है ये। कई लोग, कई डिजर्विंग कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि मिस कर देते हैं कट ऑफ इस वजह से, बिकॉज उनकी ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन गलत हो जाती है इस भीड़ वाले फैक्टर को देख के। इसके अलावा सोचते हैं मोस्ट स्कोरिंग कौन सा है, क्योंकि टॉपर्स के ही मार्क्स देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं, शायद इसमें कुछ स्पेशल है, कभी भी ये नहीं देखते हैं कि एवरेज मार्क्स कितने गए हैं, लोएस्ट मार्क्स कितने गए हैं, ट्रेंड क्या है ओवरऑल मार्क्स का इस सब्जेक्ट में, वो चीजें एनालाइज नहीं करेंगे, जस्ट टॉपर के मार्क्स देखेंगे और उसके बेसिस पे सिलेक्शन कर लेंगे। अगेन, एक बहुत गलत वे है सिलेक्ट करने का। इसके अलावा मिनिमम सिलेबस किसका है, मिनिमम टाइम किस में लगेगा, एक चीज सोच के देखो, अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लिया जो कि आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी वीकनेस है, या आपके लिए एक एवरेज सब्जेक्ट है, जस्ट आपने इसलिए चूज कर लिया कि कम टाइम लगेगा, कम सिलेबस है, उस सब्जेक्ट को क्या आप इंजॉय कर पाओगे पढ़ते हुए, क्या उसको रिपीटेडली बार बार रिवीजन कर पाओगे, क्या उस सब्जेक्ट से अगर आपको दोबारा अटेम्प्ट देना पड़ा तो क्या दे पाओगे, बिल्कुल नहीं दे पाओगे। उससे तो बेटर है एक ज्यादा सिलेबस वाला सब्जेक्ट ले लो, एक ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट ले लो, एटलीस्ट आप इंजॉय करो उस सब्जेक्ट को, सो डैट बार बार पढ़ना भी पड़े तो आपको कोई बोझ ना लगे। सो ये फैक्टर्स बिल्कुल गलत है। और कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि अगर मैंने ये सब्जेक्ट चूज किया तो शायद मेरा इसकी वजह से सिलेक्शन ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे जो अब हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, अगर आपने वो स्ट्रेटेजी फॉलो की तो आई कैन गारंटी यू कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करो उसमें जब आप एक अच्छे से ग्रिप बना लेते हो, आप इस लेवल पर पहुंच जाते हो कि आप उस सब्जेक्ट में अमंग द टॉपर्स हो, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है, प्रोवाइडेड आपने बाकी के जीएस और इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म किया हो। सो इस तरह के फैक्टर्स अपने माइंड में बिल्कुल भी मत लाओ। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी डाउट होता है कि ये सब्जेक्ट लूंगा तो मेरे तो सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की एक सक्सेस रेशो कंसिस्टेंट नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा लो, पिछले 4-5 साल का अगर ट्रेंड एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जब आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फाइनली सिलेक्ट हुए हैं उनके साथ डिवाइड करो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उस सब्जेक्ट के साथ, ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ मेंस में अपीयर हुए हैं, तो वो रेशियो आपको बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं दिखेगी। तो आप इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे ये तो बोल ही नहीं सकते हो कि अगर मैं ये सब्जेक्ट चूज करूंगा तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, और अगर ये सब्जेक्ट चूज करूंगा तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस बहुत घट जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब तक आपको ये तो समझ आ गया है कि इस तरह के फैक्टर्स तो आपने बिल्कुल भी नहीं सोचने हैं जो कि नॉर्मली आप सोचते हो। सो मेन फैक्टर है क्या, अब हम वो डिस्कस करेंगे कि मेन स्ट्रेटेजी है क्या। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप डेफिनेटली एक सही ऑप्शनल पर पहुंच जाओगे। देखो, यूपीएससी नोटिफिकेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो अराउंड 25 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, और उसके अलावा 23 लिटरेचर सब्जेक्ट्स हैं जो कि ऑप्शनल की तरह आप ले सकते हो, तो नियर अबाउट 48 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें से आपको एक चूज करना है सब्जेक्ट। अब जब आप इस लिस्ट को ध्यान से एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा इसमें से सिर्फ कुछ एक सब्जेक्ट्स ही ऐसे हैं जो कि आप लेने के बारे में सोच भी सकते हो। लाइक, अगर मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूं तो क्या मैं एनिमल हस्बेंड्री जैसा सब्जेक्ट चूज कर सकता हूं जिसका मुझे पता भी नहीं है कुछ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट चूज कर सकता हूं जिसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लिटरेचर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जिनके बारे में मैंने कभी भी डिटेल में कुछ नहीं पढ़ा है तो उससे रिलेटेड मैं कुछ चूज करने का सोच सकता हूं। सो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स आपकी लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। सो सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट उठाओ और क्रॉस करते चले जाओ, जो जो सब्जेक्ट्स आपको ऐसे लगते हैं कि ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकता उनको क्रॉस करते चले जाओ। सिर्फ कुछ एक मैक्सिमम 4-5 सब्जेक्ट्स ऐसे बचेंगे जो कि आपको लगेगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट्स मैंने या तो +1 +2 तक बहुत इंटरेस्ट से पढ़े हैं या अपने ग्रेजुएशन में बहुत इंटरेस्ट से पढ़े हैं, ऐसे कोई सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में मेरा एक नॉलेज बेस है, इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूं। मैक्सिमम 4-5 सब्जेक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे। अब जब आपके सामने 4-5 सब्जेक्ट्स ऐसे आ गए हैं तो उसके बाद आपने उन 4-5 सब्जेक्ट्स का सिलेबस ध्यान से एनालाइज करना है यूपीएससी नोटिफिकेशन में कि यूपीएससी इन सब्जेक्ट्स में आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। हो सकता है जो सोच के आपने वो सब्जेक्ट को शॉर्टलिस्ट किया हो यूपीएससी कुछ और ही आपसे डिमांड कर रहा हो, आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हो। सो सिलेबस एनालाइज करना बहुत जरूरी है।
जब आप सिलेबस एनालाइज करोगे हो सकता है इसमें से एक दो सब्जेक्ट्स और आप डिडक्ट कर दो, निकाल दो कि नहीं मैं तो ये सोच रहा था कि इन सब्जेक्ट्स में कुछ और सिलेबस होगा बट ये तो सिलेबस कुछ और ही है, इसमें से मैंने बहुत सिलेबस तो कभी किया ही नहीं है। सो अब आप मैक्सिमम 2 से 3 सब्जेक्ट्स पे आ जाओगे क्योंकि आपने बाकी के सारे इसमें से एलिमिनेट कर दिए हैं। अब जो 2 से 3 सब्जेक्ट्स आपके फाइनली बचे हैं वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके रिगार्डिंग यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट इवन आफ्टर एनालाइजिंग द सिलेबस। सो अगला स्टेप है कि इन 2 से 3 सब्जेक्ट्स का पिछले 3 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करना। जरूरी नहीं है आप सिलेबस से कंफर्टेबल हो जाओ तो उससे पर्टेनिंग जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे भी कंफर्टेबल हो। हो सकता है क्वेश्चंस देखने के बाद आपको लगे कि नहीं यार जिस टाइप के क्वेश्चंस के साथ मैं कंफर्टेबल था इस सिलेबस में से उस टाइप के क्वेश्चंस इसमें नहीं है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द क्वेश्चन पेपर्स, उसी से आपको पिक्चर पूरी क्लियर होगी। और जब आप क्वेश्चन पेपर्स भी एनालाइज कर लोगे आफ्टर दैट आई एम श्योर दैट यू विल अराइव एट अ फाइनल सब्जेक्ट जिसके बारे में यू विल फील कॉन्फिडेंट कि इसके सिलेबस से भी मैं कंफर्टेबल हूं, इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन से भी मैं कंफर्टेबल हूं, मेरे इंटरेस्ट से भी रिलेटेड है ये सब्जेक्ट। सो इस सब्जेक्ट पे मेहनत करके मैं अपने आप को टॉपर्स में से ला सकता हूं, इस सब्जेक्ट के टॉपर्स में मैं डेफिनेटली आ सकता हूं। फ्रेंड्स आपका एम ये होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आप फाइनली इस प्रोसीजर के थ्रू शॉर्टलिस्ट करो उस सब्जेक्ट में अमंग द टॉपर्स रहो। आपको ये नहीं सोचना है कि किस सब्जेक्ट में से कितने स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो रहे हैं, आपको ये सोचना है कि मैं जो सब्जेक्ट चूज करूं उसके टॉपर्स में से मैं रहूं, उनके टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स में से रहूं। एंड आई कैन एश्योर यू अगर आपने इस स्ट्रेटेजी के थ्रू एक सही ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने लिए चूज कर लिया तो आपके सक्सेस के चांसेस ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं फाइनल लिस्ट में उसमें अगर आप उनके जीएस 1, 2, 3, 4 और एसए के मार्क्स एनालाइज करो ध्यान से तो आपको ये फील होगा कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स इन सब पेपर्स में एक डोमेन में फॉल करते हैं। फर्क वहां आता है जहां आपके ऑप्शनल के मार्क्स होते हैं, जहां आपके इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। तो फाइनली ऑप्शनल के मार्क्स और आपके इंटरव्यू के मार्क्स बहुत डिसाइडिंग रोल प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स सिलेक्ट अ राइट ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर योरसेल्फ एंड क्रैक दिस एग्जाम विद ग्रेट मार्क्स एंड अ ग्रेट रैंक। जय हिंद।